हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज एक वर्कआउट वाला वीडियो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैं स्क्वाट जो है, मतलब आप लोग सभी सुने होंगे, जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, जो लोग वर्कआउट फ्रीक हैं, जिम फ्रीक हैं, मतलब जिम जाते हैं रेगुलरली, सो वो लोग स्क्वाट के बारे में ज़रूर जानते हैं। बट जो लोग मतलब एकदम से वर्कआउट नहीं करते, उन लोगों के लिए मैं ये वाला वर्कआउट शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसका जो बेनिफिट्स है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक वर्कआउट है। अगर थाइस को आप कम करना चाहते हैं, या फिर हिप्स को अगर ठीक से मतलब शेप में लाना चाहते हैं, थाइस को भी शेप में लाना चाहते हैं, या फिर कमर में कमर का जो स्ट्रेंथ है, थाइस का, लेग्स का जो स्ट्रेंथ है, इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, सो ये जो स्क्वाट है, ये एकदम से मतलब यूज़फुल एक वर्कआउट है। एंड गाइस, अगर हिप्स को भी आप लोग कम करना चाहते हैं विथ शेप, सो हिप्स को भी आप कम कर सकते हैं ये स्क्वाट को करके। सो गाइस, ये स्क्वाट जो है, ये बहुत ही एक यूज़फुल वर्कआउट है। बट हाँ, इसको सही तरीके से करना चाहिए, सही पोस्चर को मेंटेन करके इसको करना चाहिए, वरना इसका रिजल्ट जो है, सो गाइस, इस वाला रिजल्ट को ऐसे करने के लिए ये स्क्वाट का जो पोस्चर है, इसको मेंटेन करके करना चाहिए। एंड मैं आज ये वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि स्क्वाट का जो पोस्चर है, वो एकदम से एप्रोप्रिएट कैसे करना है। एंड गाइस, मैं आज जो स्क्वाट करूंगी, स्क्वाट वर्कआउट जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो स्क्वाट मैं करूंगी 30 किलो वेट लेके। ये मेरे पास है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये 30 किलो का वेट है, 30, ये 30 किलो का वेट है। एंड ये वाला वेट लेके मैं स्क्वाट करूंगी। एंड गाइस, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो लोग रेगुलरली वर्कआउट नहीं करते, जो लोग जिम नहीं जाते, ऐसे ही घर में मेरी ये वीडियो देख के अगर थाइस को शेप में लाना चाहते हैं, थाइस को कम करना चाहते हैं, हिप्स को शेप में लाना चाहते हैं, हिप्स को कम करना चाहते हैं, कमर का स्ट्रेंथ या लेग्स जो है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, सो गाइस, आप लोगों के लिए भी ये स्क्वाट एकदम से एप्रोप्रिएट है। बट 30 केजी का वेट लेके आप लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास ये वेट नहीं होगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं, सो नॉर्मल स्क्वाट कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगी कि कैसे होगा। एंड अगर आप लोग थोड़ा सा वेट लेके करना चाहते हैं, सो एक लीटर का जो पानी वाला बॉटल आता है, वो बॉटल भर के उसको लेके भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हेवी कुछ लेके भी आप लोग कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।
या गाइस, ये है स्क्वाट वर्कआउट, बट मैं फ्रंट से दिखाई, इसका साइड वाला जो लुक्स है उसको भी मैं दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि स्क्वाट का सही पोस्चर कैसे होना चाहिए। सो ये फ्रंट वाला लुक्स था। एंड गाइस, और एक बात मैं शेयर करूंगी कि अगर कोई भी आप लोग एक्सरसाइज करें, उसको 3 रिपीटेशन दीजिए। आई मीन, अगर 10 तक का काउंट आप लोग करेंगे, सो 10, 10 एंड 10, ये 3 पोर्शन में भाग होगा। कोई भी एक्सरसाइज हो, अगर 10 काउंट करना है तो 10, 10, 10, 3 रिपीट कीजिए। अगर 20 काउंट करना है, सो 20, 20, 20, ये 3 रिपीट कीजिए। अगर 20 से ज़्यादा करना चाहते हैं, सो 30, 40, 50, जो भी हो, मैं यही बोलूँगी कि 3 रिपीटेशन आप लोग किसी भी वर्कआउट करें, तो वो वाला वर्कआउट को 3 बार रिपीट कीजिए। 3 टाइम्स रिपीटेशन आप लोगों को करना चाहिए। सो गाइज, या ये स्क्वाट का ये फ्रंट वाला लुक था, मैं साइड वाला लुक्स में दिखाऊंगी सही पोस्चर कैसे होना चाहिए स्क्वाट का। सो स्टे ट्यून। या गाइस, ये साइड वाला लुक्स है। एंड आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि स्क्वाट का सही पोस्चर कैसे होना चाहिए। गाइस, स्ट्रेट नहीं बैठना है, पूरा नहीं बैठ जाना है, क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रेट बैठेंगे, सो ये कमर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ पड़ेगा, एंड इससे आप लोगों का मतलब साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सो तरीका सही होना चाहिए, और एकदम से बैक में ही जाना है, क्योंकि एकदम से अगर बैठ जाएंगे, सो वो सही तरीका नहीं होगा स्क्वाट का। सो गाइस, फ्रंट का एंड साइड का लुक्स मैं दिखा दी। आई थिंक आप लोगों के पास जो स्क्वाट का जो पोस्चर है वो क्लियर है। सो गाइस, आई थिंक आप लोगों के पास क्लियर है कि स्क्वाट का पोस्चर सही कैसे होगा। एंड ये मेरी 30 kg वेट लेके स्क्वाट था। आप लोग नहीं कर पाएंगे, जो लोग बिगनर्स हैं, शायद आप लोग 30 kg को लेके स्क्वाट नहीं मार पाएंगे। सो आप लोग जो करेंगे वो भी मैं दिखा दूंगी। अगर एम्प्टी हैंड हो, सो हैंड को किस तरीके से रखना चाहिए। अगर पानी वाला बॉटल हो, सो वो बॉटल को पकड़ के भी आप लोग कर सकते हैं। सो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो गाइज, स्टे ट्यून। अगर एम्प्टी हैंड हो, सो स्क्वाट कैसे मारना चाहिए।
या गाइस ये एम्प्टी हैंड था, हैंड को किस तरीके से रखना चाहिए एंड स्क्वाट को कंटिन्यू करना चाहिए ये मैं दिखा दी। अगर ये एम्प्टी हैंड के जगह अगर पानी वाला बॉटल आ गया सो वो बॉटल को पकड़ के आप लोग स्क्वाट मार ही सकते हैं। बट हाँ, ये 30 kg वेट को लेके आप लोग शुरू में ही स्क्वाट नहीं कर पाएंगे। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप लोग फिटनेस चाहते हैं, अगर मतलब वर्कआउट को पसंद करते हैं या फिर सही टाइम नहीं मिलने से वर्कआउट कर नहीं पा रहे हैं, बट बहुत मन में इच्छा है कि वर्कआउट करेंगे, वेट को लूज़ करेंगे या फिर फिट रहेंगे या फिर जो भी हो, मैं बॉडी शेप को लेके नहीं बात करूँगी क्योंकि जो लोग मतलब हेवी वेट का है, अगर वो लोग फिट है सो एकदम से फिट एंड फाइन है। अगर वेट को लूज़ करने के बाद आप लोग को लगता है कि हाँ फिट रहूँगी सो वो भी एकदम से फिट एंड फाइन है। सो गाइज, या अगर आप लोग फिटनेस को बहुत अच्छे से फील करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, चाहते हैं फिट रहना, सो मैं बोलूँगी, मैं रिकमेंड करूँगी कि ये स्क्वाट वाला एक्सरसाइज एकदम से मस्ट है क्योंकि ये आप लोगों के ये थाइस को बहुत ही ज़्यादा टोन करेगा। अगर हेवी थाइस है सो उसको भी लूज़ करने में हेल्प मिलेगा एंड ये बट जो है, ये बैक पोर्शन जो है, आई मीन हिप्स जो है, ये हिप्स जो है उसको भी टोन करेगा, या फिर हेवी हिप्स है सो हिप्स को भी रिड्यूस करने में, फैट रिड्यूस करने में हिप्स से वो बहुत ही हेल्पफुल है। एंड कमर का स्ट्रेंथ या फिर लेग्स का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये स्क्वाट, मैं पहले से ही बोल दी कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सो गाइज, ज़रूर कीजिएगा ये वाला एक्सरसाइज को। अगर इन फ्यूचर अगर कुछ भी वर्कआउट वाला वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे या फिर कोई भी ब्यूटी रिलेटेड, फैशन रिलेटेड वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं कि संदीपा ये वाला वीडियो लेके आओ, सो ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल में, फैशन एंड फिटनेस विद संदीपा वाला चैनल में, सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो रेड वाला बॉटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो रेड वाला बॉटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड प्रेस करने के बाद ही एक छोटी बेल वाला आइकॉन आएगा, ट्रिंगिंग रिंगिंग वाला, वो वाला आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फैशन एंड फिटनेस विद संदीपा वाला चैनल में जितना भी वीडियोस मैं लेके आऊँ वो सारी वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों के पास पहुँच जाएगा ताकि आप लोग मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर सके, देख सके। एंड अगर गाइज ये वाला चैनल अगर अच्छा लगा हो, बहुत ही हेल्पफुल लगता हो, सो ये चैनल के लिंक को ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी हेल्प पाए। बॉटल को किस तरीके से पकड़ना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से भी पकड़ सकते हैं या फिर इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, बट हैंड को स्ट्रेट रखना है एंड पोस्चर को भी सही रखना है। ये आप लोगों को देखना है कि पोस्चर जो है स्क्वाट का वो सही है। सो गाइज, या दैट्स इट, और नहीं पक करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फैशन एंड फिटनेस विद संदीपा। ठंड बहुत है यार ये टीवी वाले एड में जो दिखाते हैं कि लाख स्क्वाट सोने या फिर लाख वार्म अप, कोई भी बोलो ये कूली कॉट, इसको पहन के यार कहीं भी आप लोग जा सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड, किसी भी ठंड वाले जो कूल एरिया जो है, कहीं भी चले जाओ यार, गर्मी लगेगा, ठंड नहीं लगेगा, एकदम से छूट बोलते हैं। अगर आसानसोल के ठंड में ये वाला पहन के ऊपर आके कोई काम नहीं करेगा, सो कहीं भी जाओ यार, कुछ नहीं होगा क्या। सही